आज ये लिफ्ट इरिगेशन का शिलान्यास कर रहे हैं। इसके माध्यम से दाई तट परियोजना कटनी में 21,000 हेक्टर की सिंचाई और कटनी को पेयजल की आपूर्ति करने का भी हमारा प्रयास रहेगा। जोरदार अभिनंदन करो, कटनी वालों को भी पानी पिलाओगे और आपके खेत में भी पानी पहुंचेगा। अलग अलग बहुत सारे काम यहां दिए गए, लेकिन मुझे बताया गया है कि हमारे अपने कामों के लिए खास करके यहां कुछ मांग रखी है हमारे मित्र प्रणय पाठक जी ने, पर मैं आपको उसके पहले बातों की कुछ घोषणा कर देता हूं। बहुत जल्दी अयोध्या के बाद चित्रकूट धाम में भी आनंद आएगा। चित्रकूट के धाम में हमारे लिए अयोध्या के समान चित्रकूट को भव्य दिव्य बनाने का संकल्प है। बोला जय जय श्री राम। उसी प्रकार से गोपाल कृष्ण के नाम पर हमने निर्णय किया है, पूरे प्रदेश के अंदर हर नगरी पंचायत, नगर परिषद, नगर पालिका, नगर निगम के अंदर भगवान ने 18 अध्याय के माध्यम से गीता रूपी जो पवित्र ग्रंथ दिया है वह हमको शिक्षा की प्रेरणा देता है, वो कर्मवाद को सिखाता है। हमारे अलग अलग ग्रंथों से पढ़ने का मौका मिलता है। हर एक स्थान पर गीता भवन बनाए जाएंगे। हमारी सरकार ने तय किया है आपकी बहोरी बंद भी बनाया जाएगा। जोरदार अभिनंदन करो बहोरी बंद के लिए भी और पूरे प्रदेश के लिए। हर ब्लॉक में वृंदावन के समान एक एक गांव, जिसमें हमारे गांव के अंदर पूरी जीवन की सभी सुविधा और गांव की पवित्र आत्मा दोनों को मिलाकर के जहां बहुत सारे प्रकार से वो आदर्श गांव की श्रेणी में लाने के लिए नियम बनाए गए। 313 अलग अलग ब्लॉकों के अंदर इसे प्रकार से वृंदावन गांव भी बनाने की घोषणा हमारी सरकार ने की है। हमने निर्णय किया है अपने बीच, जैसे अभी हम हेलीकॉप्टर से उतर के आए, लेकिन गरीब आदमी अगर बीमार हो जाए, हॉस्पिटल में भर्ती हो और उसको लगे जबलपुर पहुंचाना है, इंदौर भोपाल बंबई पहुंचाना है, क्योंकि उसकी जान बचाना जरूरी है, लेकिन जान बचाने के लिए साधन नहीं है, वो बीमार है, तो हमने कहा कि कुछ भी हो जाए हमारे व्यक्ति की चिंता करना हमारा काम है। इसलिए बीमार के लिए जैसे हम हेलीकॉप्टर से आए, ऐसे हेलीकॉप्टर से डॉक्टर और कलेक्टर तय कर देंगे इसको आगे इसकी जान बचाना है तो उसके लिए ले जाने की व्यवस्था करना है। सारा पैसा सरकार देगी और हेलीकॉप्टर से उसको पहुंचाने का प्रबंध हमारे द्वारा किया जाएगा। गरीब आदमी की जान जरूरी है, हेलीकॉप्टर का तो अपना महत्व होगा, लेकिन आदमी की जान की कीमत होना चाहिए। मुझे ध्यान में आता है थोड़े दिन पहले ही पन्ना में एक पूर्व खनिज अधिकारी सुबह पति पत्नी 5 बजे सड़क के किनारे जा रहे हैं, अचानक एक ट्रक ने टक्कर मारी, पूरा पांव उनका ट्रक के पहिए के नीचे आ गया। माननीय वीडी शर्मा जी का संदेश आया कि ये व्यक्ति अगर पन्ना से भोपाल नहीं गए तो यही खत्म हो जाएंगे। हमने कहा सांसद जी चिंता मत करो, बिल्कुल उनकी जान बचाई जाएगी। और आपको बताते हुए मुझे अत्यंत हर्ष है, भले ही पेड़ काटना पड़ा लेकिन व्यक्ति बचा है हमारे बीच में, ये हमारे अपनी उस योजना का फायदा है। केवल हेलीकॉप्टर के कारण से व्यक्ति की जान बचती है, और केवल ये नहीं, अपने एक नहीं बहुत सारी योजनाएं। आज हम वापस हमको हेलीकॉप्टर से उड़ना है तो समय कम पड़ रहा है, इसलिए मुझे जल्दी भी जाना है, लेकिन आपके बीच में जब आया हूं तो कुछ घोषणा तो यहां करने ही पड़ेगी। मेरे मित्र प्रणय पाठक जी ने कहा है कि हमारे अपने इसी स्थान पर गाताखेड़ा जलाशय, गाताखेड़ा जलाशय बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए, तो मुंह से मत बोलो, ये दोनों हाथ से समर्थन करो, गाताखेड़ा जलाशय बनाया जाएगा।
जुझारी जलाशय, जुझारू भी बनाना चाहिए जुझारी जलाशय, तो जरा समर्थन करो जुझारी जलाशय भी बनाया जाएगा। जमुनिया और सिजहरी जलाशय ये भी बनाने की मांग आई है, बनाना चाहिए। आप तो ताली अपने आप बजाने लग गए, आप इतने समझदार हो गए, जोरदार ताली बजाओ, ये भी बनाया जाएगा। और बेजनाला जमुन हाई जलाशय का निर्माण और बहुरीबंद जलाशय का पुनर्निर्माण, भैया बहुत सारी मांग कर ली तुमने, सारे जलाशय यही बनेंगे क्या? चलो कोई बात नहीं, जोरदार ताली बजाओ, आपने भी मन खुश कर दिया तो हम भी आपको खुश कर देते हैं। आपके क्षेत्र के अंदर प्राचीन दर्शनीय तीर्थ स्थल रूपनाथ, तिगवा, बिलहरी, वाटरफॉल वसुधा और केन नदी का उद्गम स्थल, इसको पर्यटन स्थल के रूप में बनाने की बात कही है, बनाना चाहिए क्या? आपकी ताली नहीं बज रही, बनाना चाहिए क्या? उधर से समर्थन आना चाहिए, बनाना चाहिए क्या? तो सबकी मांग पे बनाया जाता है पर्यटन स्थल के रूप में, इसका विकास किया जाएगा।